हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड गाइस, आ चुके एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है, इंस्टा पर पोस्ट किया कि नया गेम फौजी आने वाला है। सो अभी देखो गाइस, ये न्यू गेम है तो नया गेम को ऊपर आने के लिए थोड़ा टाइम लगता ही है। लेकिन क्या जैसे पबजी आया था तो वो टाइम पे हुआ था कि सीओसी वर्सेस पबजी, सो गाइस ये फौजी आएगा तो उस टाइम पे भी ऐसा होगा, कि आपको क्या लगता है? ठीक है, इसी के बारे में हम लोग ना बात करने वाले हैं। और उस गेम के रिलेटेड भी मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ एंड आपसे थोड़ी डिटेल शेयर करना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर में क्या ऐसा हो सकता है, या फिर आप लोग का भी जो आपकी भी जो राय होगी वो कमेंट में बताओ मुझे। सब चलो हम लोग सर्च करते हैं उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे देखो, मैंने सर्च किया था FAUG, ओके, फौजी। एंड यहाँ पे देखो बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे आई है कि वो पबजी का पूरा रिप्लेसमेंट हो सकता है। देखते हैं अभी कैसे क्या बनाने वाले। एंड इंडिया में बन रहा है तो, और इससे देखो, इससे भी एक अच्छी खबर आई है ना, कि अभी देखो मैं पढ़ता हूँ आपको, पूरा बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बताया है, देसी पबजी मोबाइल राइवल फौजी टू लॉन्च सून। देखो पबजी का राइवल ही बना दिया सीधा इसको एक्चुअली, क्योंकि ये है ही। ओके, डेज आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन गेम्स इन इंडिया, पबजी मोबाइल, जो क्यू CEO विशाल गोंदल हैज अनाउंस अल्टरनेट गेम कॉल्ड फौजी। वाइल वेरी लिटिल इज नोन एज अबाउट द गेम प्ले, द गेम एक्सपेक्टेड टू फर्स्ट पर्सन शूटर। ये भी शूटिंग गेम है गाइस, लाइक अपना पबजी के रिलेटेड ही है। एंड इन एसोसिएशन विद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार विल बी द मेंटर। ओ भाई साहब क्या बात है। इन रिस्पॉन्स टू PM नरेंद्र मोदी कॉल ऑफ आत्मनिर्भर ऐप, एनकोर गेम्स इज प्राउड टू अनाउंस आर एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी विद मेंटरशिप ऑफ अक्षय कुमार। 20% ऑफ नेट रेवेन्यूज डोनेटेड टू भारत के वीर ट्रस्ट फॉर इंडियाज ब्रेव हार्ट। ओ भाई साहब, तो देखो यार, ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि अपने इंडिया में ये गेम आ रहा है और देखो वो लोग ना पूरा जो 20% ऑफ नेट रेवेन्यू है वो सीधा चला जाएगा भारत के वीर। वो शायद बीच में वेबसाइट एंड ऑल एक ट्रस्ट अमाउंट शायद उन्होंने कुछ किया था, मुझे बीच में सुनाई दिया था इसके रिलेटेड, मैंने भी शायद थोड़ा पढ़ा था कहीं पे। सो गाइस देखो, अब और क्या पे लिखा है, पबजी स्टैंड्स फॉर फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, द गेम विल बी मेड बाय बेंगलुरु बेस्ड मोबाइल गेम पब्लिशर एनकोर गेम्स। ओके, एनकोर गेम्स फ्रॉम इंडिया ओनली एंड फ्रॉम बेंगलोर से। एंड इसमें गाइस अभी यहाँ पे नीचे दिया, वापस से दिया गया है कि सेक्रीफाइजेस ऑफ आवर सोल्जर्स विल ऑल्सो लर्न, 20% ऑफ नेट रेवेन्यू विल बी जनरेटेड टू भारत की वीर। तो देखो यार, ये इनिशिएटिव ना सबसे बहुत अच्छा था यार, क्या बताओ। अभी देखो कोई गेम ऐसा कभी किया नहीं है तो ये फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो ज़रूर एक ट्राई तो देना चाहिए, कि आपको क्या लगता है। लेकिन यार COC अपना कहीं नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लो। ओके, COC तो पता है ना आपको, ओल्ड इज गोल्ड ऑब्वियसली। तो लेकिन अभी देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे कुछ लिखा है, द गेम इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS सिमिलर टू द अदर गेम्स, फ्री टू प्ले इन ऐप परचेसेस पार्टनर इन रिव्यू वेबसाइट बट नथिंग मच। एंड ये आएगा कब यार, कब आएगा ये गाइस? यहाँ पे कुछ डेट वेट दिया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे है, नहीं कुछ नहीं है, नथिंग मच अबाउट नोन एज गेम मेड बाय देम। एंड यहाँ पे देखो, ट्वीटेड अक्षय कुमार, द ऑफिशियल लॉन्च डेट ऑफ द गेम हैजंट बीन रिवील येट। सो गाइस अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है, सो लेट्स सी यार क्या होता है। देखो पबजी जब आया था तब भी आपको पता है कि क्या सीन हुआ था, लेकिन क्या ये अभी आपको क्या लगता है कि जब ये फौजी आएगा तो क्या वापस से COC से ऊपर जाएगा वो, या फिर मतलब COC अपने लेवल पे, देखते यार। लेकिन उससे पहले ना, जब तक अभी पबजी गया है, काश COC उस लेवल पर आ जाना, क्योंकि अभी मतलब नहीं कि अभी तो टाइम आ चुका है, वो पहले वाले दिन हमको आपस से देखना है कि यार हर एक बंदा आपके बिल्डिंग का, आपके सोसाइटी का, आपके चौल का, कि आपको COC पर मिलेगा खेलता हुआ। क्या गाइस ऐसे वो दिन आ सकते हैं यार? मैं भी, हमारा भी एक टाइम था कि हमारे मतलब चौल में सब बंदे खेलते थे, और फिर अभी वो सीधा शिफ्ट हो गया अदर गेम्स में, लेकिन यार मैं अभी तक यही खेलता हूँ अपना COC। सो गाइस यार वो दिन हम मुझे वापस तो देखनी यार, सीरियसली एकदम दिल से बता रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है एंड क्या कैसा क्या होना चाहिए इन फ्यूचर। एंड अभी तो गाइस अभी चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने गेम की तरफ एंड थोड़ा अटैक्स वटैक्स करते हैं यार, मज़ा आएगा। ठीक है, एंड तक देखना आप लोग वीडियो। सो गाइस वेलकम बैक। एंड गाइस देखो, आप लोग भी मुझे अपना स्टोरी बता देना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ चौल में खेलता था, मतलब हमारे गली में खेलते थे हम लोग COC, वैसे अपना भी, आपका भी कोई स्टोरी होगा तो वैसे मुझे कमेंट करके बता देना गाइस। ठीक है, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ लूँगा। एंड यस गाइस देखो, अब ये CWL तो चल ही रहा है अपने इसमें, एंड आप मुझे ये भी बता देना कि कैसा जा रहा है आपका CWL गाइस। एंड यहाँ पे देखो हम लोग का थर्ड चल रहा है, वॉर थर्ड डे चल रहा है, तो यहाँ पे अटैक कर लेंगे गाइस नंबर 3 का बेस, बिकॉज आई एम ऑन नंबर 3। एंड यहाँ पे बेस देख लो, अभी मैंने बेस ऑलरेडी स्काउट किया था,
तो मुझे इतना मतलब ये स्ट्रांग नहीं लगा, तो हार्ड नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि चलो कर देंगे यार, इसी पे कर देंगे, वीडियो में ही कर दूंगा अटैक। सो अभी फटाफट से इस पे गाइस कर लेते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ पे मैंने पूरी आर्मी यहाँ पे ट्रेन भी कर लिए विथ हाइब्रिड अटैक स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पे मुझे एक बार देख लेने दो आर्मी एंड फिर हम लोग कर देता हूँ फटाक से अटैक एंड लेट्स सी क्या होता है। और मैंने यहाँ पे गाइस एक साइड चूज़ कर लिया है, वो है राइट साइड। एंड अब देखते यार बस अच्छे से हो जाए ना, तब और कुछ नहीं चाहिए यार, अब फिर अब जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस 3 स्टार अटैक होना चाहिए, समझ रहे हो गाइस क्या बोल रहा हूँ। एंड अभी यहाँ पे क्वीन वॉक करना है, लेकिन पहले मैं वार्डन को ग्राउंड कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने ये यूज़ किया था, एयर पे किया था फॉर इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक्स। एंड अभी लेकिन सीसी में मिनियंस आए हैं एंड मिनियंस का तो चलो वो तो हो जाएगा काम। एंड पहले मुझे यहाँ पे क्वीन को अंदर डालना है। ओके ओके हाँ चलो सही है, बहुत बहुत सही काम हो गया, क्योंकि यहाँ पे अरे वलावा हुंड है तो कुछ दिक्कत ही नहीं होगा, सही में सीरियसली नो प्रॉब्लम नो इश्यूज़, बस थोड़ा टाइम खाएगा लावा हुंड क्योंकि यहाँ पे क्वीन को अभी टारगेट करेगा। एंड लेकिन अभी हमको फटाक से ऊपर के साइड से भी ये करना है, फनल करना है अपने सीज बराक डाल के। लेकिन यहाँ पे यार टारगेट हो चुका है विजार्ड को, लेकिन ओ भाई विजार्ड ने कितना उसका हेल्थ कम कर दिया, क्या बात है। एंड यहाँ पे हम लोग एक रेज स्पेल डाल देते प्लस यहाँ पे 2 वॉल ब्रेकर, चलो अभी वॉल्स भी ब्रेक हो चुके हैं। एंड अभी हम लोग ना एक काम कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे एक माइनर के साथ यहाँ पे किंग भी डाल दिया। एंड अब यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए वॉल ब्रेकर, चलो ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस देखो ऊपर से भी फनल हो जाएगा एंड नीचे से तो क्वीन ऑब्वियसली है ही, तो अभी कुछ इतना प्रॉब्लम में नहीं हम लोग है, सब सही चल रहा है राइट नाउ, तो सब ठीक है, बस हमको टाइम का देखना है, अगर टाइम बस प्रॉपर सही से हो जाए ना देन हम कर लेंगे यार 3 स्टार अटैक। तो यहाँ पे एक और मैं ये कर लेता हूँ रेज स्पेल यूज़, एंड अभी यहाँ पे फ्रीज़ करना पड़ेगा यूज़, लेट्स गो। यहाँ पे एक फ्रीज़ हो गया ऑन स्कैटर शॉट एंड यहाँ पे एक और कर देंगे, चलो ठीक है एक और कर लेते हैं। ओ भाई साहब क्वीन को टारगेट कर रहा है इन्फर्नो, तो यहाँ पे क्वीन को भी मैं सॉरी अपने इसको भी कर दिया। एंड अब बारी आती गई सपने बाकी के सारे ट्रुप्स की, बिकॉज यहाँ पे हॉग्स आगे जा चुके तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंड अब चलो अब सब सारे के सारे सही से डाल दिए हमने, अब बस अब यहाँ पे सारे अच्छे ट्रुप मतलब अब मुझे एबिलिटी सही से यूज़ करनी है। एंड अब क्या बचा है, अच्छा ठीक है अभी डाल देते हैं एबिलिटी, अब आ गए टाउन हॉल के पास एंड ये गई एबिलिटी। एंड अभी तो सब सही चल रहा है गाइस फिलहाल के लेना, राइट नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। एंड मैंने दोनों साइड से यहाँ पे मैंने फ्री यहाँ पे हीलिंग स्पेल डाल दिया। ओ भाई साहब 1 ही मिनट का टाइम बचा है, तो मुझे लग रहा है हम लोग थोड़ा लेट तो नहीं हो गए गाइस, व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या हम लिटरली लेट हो गए? देखो मैं कोई भी अपने ट्रुप को मरने नहीं दूंगा, इसलिए फटाफट से मुझे जैसे मतलब समझ आ रहा है वैसे मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे हीलिंग स्पेल। एंड यहाँ पे 40 सेकेंड्स का टाइम है, देखो ऊपर की साइड से तो कोई भी नहीं है बिल्डिंग्स, अब जो भी है वो नीचे है। देखो बहुत अच्छी बात ये है ना गाइस कि अपने पास एबिलिटी बची है रॉयल चैंपियन की, लेकिन यार वो साइड में कोई भी ट्रूप नहीं है, तो अभी हम लोग ना पहले एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं बिकॉज ये हॉग्स ना वरना इसको टारगेट करेंगे। ओ भाई साहब ये हुई ना बात, क्या बात है, अभी 20 सेकेंड्स बचे गाइस, बस मेरे को अटैक ये नहीं चाहिए यार फेल, इसके वजह से नहीं चाहिए टाइम के इशू के वजह से। ओ शिट 10-15 सेकेंड्स गाइस रॉयल चैंपियन निकाल देगा क्या, क्योंकि यार ये लोग बहुत स्लो है यार लिटरली। हो जाएगा लास्ट के 2 स्टोरेजेस बचे, कर दो यार प्लीज़ करवा दो 3 स्टार। ओ भाई सब मज़ा आ गया गाइस लास्ट, ओ शिट 3-2-1-0, ओ भाई कसम से यार मज़ा आ गया लिटरली। एंड 100% गाइस हो गया, एकदम से क्लोज था। एंड देखो समझ रहे हो गाइस अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता ना तो ये अटैक फेल हो जाता, लेकिन देखो बहुत सही हो गया एंड 3 स्टार अटैक, क्या बात है। और भी बहुत सारे हुए यार, मुझे लगा कि मेरा ही पहला अटैक है जो 3 स्टार हुआ है। सो गाइस यहीं पे एंड कर देते हैं हम लोग वीडियो, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो सो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना। एंड आपको मैंने जो बोला है वो कमेंट कर दो, शायद बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कही है। एंड इसी के साथ आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। एंड हाँ जो मैंने आपको बताया था ना गाइस 300 में गोल्ड पास लास्ट वीडियो में, तो यार वो स्कैम नहीं है यार सीरियसली, वो एकदम ये लीगल है ठीक है, क्योंकि ना पे कम से कम 7-8 बंदों ने ऑलरेडी खरीद भी लिया है एंड मेरी उससे बात भी हो गई है कि वो सब कुछ सही से दे रहा है 300 में। मैंने अब उसका व्हाट्सएप नंबर डाल दिया गाइस डिस्क्रिप्शन में, एंड उससे कर लो अगर आपको चाहिए 300 में, बिकॉज मैंने भी उसी से लिया है, बस आईडी देना होगा उसको लॉगिन करने के लिए, फिर वो रिमूव करते वक्त वो एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके आपको भेज देगा ताकि वो प्रूफ भेजेगा कि उसने रिमूव भी कर दी है आईडी, तो कुछ स्कैम वैम नहीं है यार सीरियसली, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो यार मुझ पर विश्वास करो ठीक है मुझ पर, ओके। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना फॉर नेक्स्ट गोल्ड पास गिव अवे, ठीक है इंस्टाग्राम पर होगा। एंड अभी एंड कर देते यहीं पे वीडियो, सब्सक्राइब कर देना भूलना मत ठीक है, ऐसी वीडियोस लाऊंगा और भी, एंड बेल आइकन दबाना ठीक है वो बहुत ज़रूरी है, एंड लाइक हाँ लाइक का मैंने बोल दिया, चलो अभी एंड करते, बाय गाइस।